और हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिल्पा होम किचन में आप लोग का स्वागत है। और आवाज़ बनाया है गर्मा गर्म सूजी और नारियल का लड्डू। सिर्फ दो चीज़ से बना है, बहुत टेस्टी भी लड्डू बनता है, बिल्कुल आसान तरीका से बना है। और देखिए आप लोग वीडियो। और आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना मस्त बना है। एकदम से एकदम मुंह में घुल जाने वाला लड्डू है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा एकदम। चलिए आप खाइए, बनाइए गर्म गर्म। ठंडे के सीजन में इस तरह लड्डू बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे लोग को भी पसंद आएगा। इस तरह डब्बा में भर कर भी दे सकते हैं, कहीं भी भेजा सकते हैं, क्योंकि मिठाई वो एक नंबर है। मिठाई घर का बना हुआ मिठाई हो गया है, तो इस तरह डब्बा लाइए, डब्बा में भर कर भेजा दीजिए। ओके, तो डब्बा में भर दिए, इसका ढक्कन भी लगाएंगे, इस तरह कवर करके आप खरीदने से अच्छा है कि घर से बना कर दे सकते हैं, कहीं भी आप तैयार किए हैं। देखिए सारा लड्डू बन के हो गया तैयार, और देखिए कितना टेस्टी टेस्टी बना है एकदम से, और बहुत सॉफ्ट बना है। और लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे लोग भी खाएंगे बहुत मन पसंद से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सूजी और नारियल का लड्डू। आप लोग भी बनाइए इस तरह, दम बिल्कुल कम समय में बनेगा और मेहनत भी कम है। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आगे की वीडियो देखिए। तो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिल्पा होम किचन में आप लोग का स्वागत है। और ये देखिए लिए है रवा सूजी, और रवा सूजी के बनाएंगे लड्डू, और बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा एकदम सिंपल तरीका से। देखिए कप से एक कप लिए हैं, सब मेजर करके लेंगे अच्छे से। तो ये कप है 250 ग्राम का, तो इससे हम 250 ग्राम सूजी लिए। सूजी को पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूजी इसी तरह रहेगा दानेदार। देखिए कितना सा सूजी है, चाल लिए थे, चाल कर लिए थे। इसी कप से हम लेंगे नारियल, कप से एक कप सूजी लिए थे, एक कप नारियल लिए। और ये कच्चा वाला नारियल है, कस किया हुआ। देखिए इसका जब आप सूखा हुआ भी नारियल लीजिए, नारियल बुरादा जो आता है पैकेट में वो भी ले सकते हैं। मेरे पास कच्चा नारियल था तो कच्चा नारियल ले लिया। अब इसका लड्डू बहुत मस्त बनता है एकदम कच्चा नारियल का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कप से 1.5 कप दूध लेंगे। एक कप सूजी लिए हैं तो एक कप दूध लिए, आधा कप और लेंगे, इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। 1.5 कप दूध लिए, इसको अच्छे से मिला देंगे चम्मच से, मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगा। अच्छे से मिला दिए सूजी और नारियल, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इस तरह ढक लेंगे पहले से, इसको 10 मिनट के लिए। देखिए 1/4 कप चीनी लिए हैं, और चीनी का पाउडर बना देना है, क्योंकि चाशनी नहीं बनाना है। नो चाशनी, नो मेवा, नो खोया, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सिंपल सा बनाना है लड्डू। और ले लिए इसमें चीनी, और इसको अच्छे से पाउडर लगाएं, पाउडर बनाएंगे सबसे पहले। तो सूजी फूला, पहले पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसलिए काजू टाइप रोटी हैं, इसको हल्का भूंजेंगे। देखिए बादाम लिए हैं, सब आप पिस्ता बादाम भी ले सकते हैं, है तो काजू बादाम लिया। ये है किशमिश, तीनों को हल्का फ्राई करेंगे घी में। ये बैठा दी कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, आवाज को रखेंगे डीप, कि काजू जले नहीं, हल्का भूनना है एकदम। काजू जो है बहुत जल्दी लाल हो फ्राई हो जाता है, देखिए कलर आ गया है।
ऑरेंज के निकाल लिए हैं, साथ में किशमिश भी हल्का फ्राई कर दिए हैं और किशमिश को रखे हैं साइड में। और ये जो है हल्का, इसको मिक्सर के जार में दरदरा कूटेंगे अभी, तो इसे नहीं डालना है, इसको हल्का दरदरा करना है तो ठंडा हो जाएगा। तब तक के लिए सूजी भून लेते हैं। देखिए बच गया है, एक चम्मच और घी इसमें डाल दिए हैं, तैयार हो गया है। अब सूजी को हम घी में फ्राई करेंगे अच्छे से कि अब सेट हो गया है। इसको घी में डालते हैं, इसको हल्का लाल होने तक इसको भूनेंगे सूजी को, नारियल के तेल को साथ में ऐसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं, एकदम डीप पाच पे इसको फ्राई करते रहेंगे तो कुछ दानेदार नहीं हो जाए। तब तक इसको चलाते ही रहेंगे। घी बोलिए घी कितना डालें, घी इसमें 3 चम्मच घी डाले हैं, अभी कम पड़ेगा तो फिर ऊपर से आप घी डाल सकते हैं। अभी 3 चम्मच घी डाले हैं, इसमें अब भूनेंगे अच्छे से सूजी और नारियल को। देखिए मीडियम आँच पर भूनना है इसको, तब तक भून जा रहा है तब तक काजू को जो बादाम जो भूंज के रखे उसको आते हैं पीस लेते हैं। इसको ज़्यादा महीन नहीं करना, दानेदार रखना है, क्योंकि लड्डू बना रहे तो लड्डू में दानेदार अच्छा लगता है। चलिए इसको पीस के आते हैं कि इसमें कूटे काजू और बादाम, क्योंकि मिक्सर जो ख़राब हो गया मेरा, मिक्सर नहीं चल रहा, तो इसमें कूट के निकाले हैं। देखिए इस तरह दानेदार ये भी हो गया है, इसको भी निकाल देंगे, इस तरह दानेदार निकाल लें। तब फ्राई हुआ है, अभी और होगा। ये सूजी जो है कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको भूंजिएगा, तब इसके दानेदार आएगा खिला खिला। अभी देखिए अभी भी ढेला ढेला है, ये जो ढेला ढेला है सब अलग हो जाएगा एकदम से। अभी और लगेगा 10 मिनट और भूंजेंगे, एकदम डीप आँच पे भूंजे ताकि सूजी जो है जले नहीं से। इस तरह हल्के हाथ से चलाते रहेंगे, बिल्कुल खड़ा होकर चलाना है एकदम, छोड़ के जाइएगा तो आपको सूजी खराब हो जाएगा, फिर लड्डू में कोई टेस्ट नहीं आएगा, नारियल भी जल जाएगा, इसलिए इसको खड़ा होकर भूंजते रहिए 20 से 25 मिनट तक। देखिए सारा अलग अलग हो जा रहा है, इसी तरह हो जाएगा। कढ़ाई में थोड़ा सा भी नहीं लगा है एकदम, कढ़ाई एकदम नहीं चिपका है। सूजी हो गया तैयार, देखिए दानेदार हो गया है ना। गैस को कर देंगे बंद, इसको निकालेंगे एक प्लेट में। ये लड्डू जो है सब लोग खा सकते हैं, बच्चे लोग को भी दे सकते हैं, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ठंडी में, एक लड्डू सुबह दे दीजिए, खा के चल जाएंगे दिन में, मस्त रहेंगे। लड्डू में ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, मेरा गोल का लड्डू है तो बच्चे लोग भी खा सकते हैं इसको। चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं कि प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसको होने देंगे ठंडा। अभी गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा भी हल्का ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, फिर लड्डू बंधाएगा नहीं, हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जो काजू को बादाम कूट के रखे सो डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे। अब उसके लिए इलायची भी तैयार करके रखे, देखिए ठंडा हो जाएगा मिश्रण अच्छे से। इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, तब इसमें मिक्स करेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। और लड्डू बहुत मस्त बनेगा एकदम से, आप लोग भी बना के देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो। देखिए हो गया है ठंडा, तो गर्म नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, इसी से डालना है, इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे। इसमें डाल देते हैं
शुगर पाउडर के जितना सूजी और नारियल लिए थे उसी बराबर से लिए हैं चीनी पाउडर बना लिया, बोलते हैं शुगर पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा लड्डू बंधा रहा है अच्छे से, और दोनों हाथ से फटाफट लड्डू बांधिए क्योंकि मिश्रण फिर ठंडा हो जाएगा। और इस तरह लड्डू बनाइए, दोनों हाथ से बनाइए फटाफट क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बंधाएगा। देखिए तैयार कर रहे इस तरह, देखिए याद करना ही बंधा रहा है, बार बार खोल जा रहा है क्योंकि ठंडा हो जा रहा है मिश्रण, तो जल्दी जल्दी बांधिए आप लोग भी। देखिए सारा लड्डू बन के हो गया तैयार, और देखिए कितना टेस्टी टेस्टी बना है एकदम से, और बहुत सॉफ्ट बना है। और लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे लोग भी खाएंगे बहुत मन पसंद से क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सूजी और नारियल का लड्डू। आप लोग भी बनाइए इस तरह, दम बिल्कुल कम समय में बनेगा और मेहनत भी कम है। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आगे की वीडियो देखिए। और कमेंट में बताइएगा लड्डू कैसा मेरा लगा, और आप लोग कैसे लड्डू बनाते हैं सूजी के वो भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।